द्वारका के खम्बालिया सीट के ग्रामीण इलाके में हूँ। गन्ने का वक्त है, देखिए यहाँ पर इस तरह का गन्ना और किलो के हिसाब से काट के उसको बेचा जाए। क्या रेट है जी गन्ने का? 100 रुपए का 4 केजी। हाँ, 100 रुपए का 4 केजी। 25 रुपए किलो? हाँ, 25 रुपए किलो। कहाँ से लाते हो? वो हम तो बाहर राजकोट से उस पार रहने जाते हैं। और रहने वाले आप कहाँ के? खम्बालिया का। तो मैं आया हूँ जानने के लिए, पहले इधर से शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान भाई। इमरान भाई बताओ, ये मैं जानने के लिए आया हूँ कि खम्बालिया सीट पर ये आपके सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी भी चुनाव लड़ रहे हैं, विक्रम मडान कांग्रेस से लड़ रहे हैं और मुल्लू भाई बीजेपी से लड़ रहे हैं बेरा, तो किसकी स्थिति मजबूत है? अभी तो सब कुछ पता नहीं चलता, समझ लो। अभी तो आज तो अमित शाह भी आए थे आज, और विक्रम भाई तो बहुत बार जीत चुके हैं, समझ लो। ये भिकुदान गढ़वी है ना, वो पहली बार लड़ रहे हैं। मुरुआ बेरा दूसरी बार तीसरी बार लड़ रहे हैं लगभग, पर अभी तो तीसरी को पता नहीं जल्दी कौन आएगा। मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, ईसुदान गढ़वी जो है उनको आप कितना जानते हैं? मैं बस वही प्रेस वाले थे पहले, यही जानते था बस, उसके बाद कुछ जानते नहीं हम। उनको आम आदमी पार्टी ने कुछ बनाया आप जानते हैं? हाँ, वो अभी वो सब मोबाइल में आ रहा है, यूट्यूब में सब, कि वो बोलते जो गुजरात की सीट लेगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो आपको लग रहा है कि ये खम्बालिया सीट वो ले पाएंगे? अभी तो कुछ पता चलता नहीं है, अभी तो बहुत भरकम है सब, कांग्रेस भाजपा और ये आम जनता पार्टी, पता चलता नहीं है कौन आएगा। अच्छा एक बात हमें बताओ इमरान भाई, सच सच बताना, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ठीक ठाक है तो मुस्लिम वोट ज़्यादा किधर है? अभी तो सब बोल रहे हैं सब ये आम जनता पार्टी को देने का बोलते हैं सब, अरे पता नहीं एक हमारे सब में बोलते हैं सब कि भाई ये बीजेपी को क्या बोलते हैं उसको, आम जनता पार्टी को देने का मत बोलते हैं। मुस्लिम लोगों के बीच में चर्चा है? हाँ, चर्चा हुई है कि आम जनता पार्टी को आगे लेने का है, सब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि 300 यूनिट लाइट के फ्री देगा और सब में बहुत मुनाफा करेगा वो बोलते हैं, और जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको रोजगार भी देगा ऐसा बोले, हमको कार्ड भी दिए है सब, अभी पता नहीं अभी कैसा होता है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या ख्याल लोग रखते हैं? नहीं अभी इसके बहुत ख्याल लगते नहीं है बहुत, पर अभी वो राहुल गांधी ने बोला है कि 300 यूनिट फ्री दूंगा, ये 200 यूनिट बोलते हैं, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम 300 यूनिट देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। कैंडिडेट के हिसाब से आपको मजबूत कौन लगता है? कैंडिडेट से मजबूत से मेरे को लगता है ये मुरु भाई बेरा, बीजेपी वाला। यार आप गजब आदमी हो, आप कह रहे हो कि कांग्रेस भी बीजेपी भी आम भी, जीतेगा कौन? अच्छा ये बता दो, जीतेगा लगभग तो ये लगभग बीजेपी वाला किसी को आने नहीं देंगे। क्यों? ओ मैं नहीं बोलता दूसरा कुछ। नहीं क्यों नहीं? नहीं आ सकते सर, कोई और जीत ही नहीं सकता। नहीं जीत सकता। कैसे? यो नहीं बोलना है क्योंकि वो बहुत अपलोड वीडियो भी हुए थे, क्या कुछ कोई इसका कुछ कर सकते नहीं, कुछ बीजेपी में कुछ हुआ था कोई इसका कुछ उखाड़ सकते नहीं, समझ लीजिए। वो बीजेपी ही जाएगी, किसी का भी मत जाए, आप मत दोगे आलू को तो जाएगा प्याज में। अच्छा मशीन में? आप आलू को मत मशीन में गड़बड़ी है, जाओगे प्याज में मत, समझ लो। बाकी हमारे ईसुदान गढ़वी को सब हमारे मुस्लिम में सब चर्चा होती है कि इसको देना है आम जनता पार्टी वाले को। ठीक है, ठीक है। अब आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है बिपिन अशोक। ये जो बोल रहे हैं सुने हो, ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। क्या वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं है। ना सुने नहीं हो, ये कह रहे हैं कि आप किसी पर वोट दोगे बीजेपी को ही आएगा, बीजेपी वाला जीतने नहीं देगा, मशीन की बात कर रहे हैं, ये बात सही है? वो तो मेरे को भी मालूम नहीं है, मेरा तो धंधा लेके बैठा हूँ, वो तो मालूम नहीं होगा ना। तो यहाँ किसका माहौल लग रहा है? क्या यहाँ किसका माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो वो मोदी जी का। मोदी जी का बस वो। और ये आप और कांग्रेस का? वो तो मेरे को भी मालूम नहीं, मैं उसमें ध्यान नहीं देता। आप बताओ क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कौशल भाई और मैं दलवाड़ी समाज से हूँ। दलवाड़ी वोट यहाँ तो अच्छा खासा है। हाँ तो हमको वोट भी इसको देंगे जो हमारा भरोसा होगा कि ये हमारा काम कर सकता है,
जनता उसको ही वोट दे, ये मेरा मानना है कि जनता उसको ही वोट दे कि जो काम कर सके। जातिवाद के नाम पर चल रहे हो? नहीं, जातिवाद के नाम पर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जनता वोट उसको दे। यहाँ तो यादव वोटर ज्यादा है मैडम। हाँ, वो कुछ हम बता नहीं सकते, जो भी बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी। किसका लग रहा है हवा, ये बताओ? हवा तो चारों तरफ से फूल आ रही है, किस कोई कम नहीं है। बीजेपी देखे, आम आदमी पार्टी देखे, भाजपा देखे, कांग्रेस देखे, किसकी हवा सबसे ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? चारों तरफ से ज्यादा हवा है, कुछ कह नहीं सकते अभी कि कौन आएगा, वो कुछ नहीं। अच्छा, कह सकते। ईशुदान गढ़वी का क्या? वो भी सबसे आगे है, मुड़ू भाई बेरा भी सबसे आगे है, आम आदमी पार्टी भी सबसे आगे है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। चारों तरफ से हवा ज्यादा आ रही है, फुल प्रेशर है चारों तरफ से।